एशिया कप शुरू होने में अब बहुत कम टाइम बचा है और सारी ही टीमों ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली हैं, सारी ही टीमों ने अपनी अपनी कमर कस ली है एशिया कप के लिए। आपको बता दें कि फिलहाल टीम इंडिया आयरलैंड के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की ODI सीरीज खेलने में बिजी है। इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का एक बयान आया है। उन्होंने अपने बयान में एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर चर्चा करी है। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि उन्होंने एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर क्या कुछ कहा अपने स्टेटमेंट में। इस टीम में हर खिलाड़ी में अच्छा प्रदर्शन करने की भूख है, हर खिलाड़ी मैच जिताऊ प्रदर्शन करना चाहता है। हमने हाल में देखा है कि विभिन्न मैचों में अलग अलग खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बने हैं। ये किसी भी टीम के लिए एक अच्छा संकेत है। जब आप बड़े टूर्नामेंटों में प्रदर्शन करते हैं तो टीम और व्यक्तिगत रूप से आपका मनोबल बढ़ता है। खिलाड़ियों में सफलता की भूख है और वो आने वाले एशिया कप और वर्ल्ड कप खिताब जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि किस तरह कड़ी मेहनत करी है खिलाड़ियों ने और किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन करी है आने वाले एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए। और साथ ही साथ बाबर आजम ने ये भी बोला है कि हमारी जो नजरें हैं वो एशिया कप और वर्ल्ड कप पर टिकी हुई हैं और हम किसी भी कीमत पर एशिया कप और वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। आपको बता दें कि अगर एशिया कप का इतिहास हम देखें तो 15 बार एशिया कप अभी तक हो चुका है, जिसमें टीम इंडिया सबसे ज्यादा भारी पड़ी है। 7 बार अभी तक एशिया कप का खिताब टीम इंडिया अपने नाम कर सकी है। पिछला जो एशिया कप खेला गया था वो T20 के फॉर्मेट में खेला गया था। उस एशिया कप में श्रीलंका विजेता हुई थी, पाकिस्तान और इंडिया बाहर हो गई थी, नहीं जीत पाई थी, लेकिन श्रीलंका जीत गई थी। जहां सबको लग रहा था कि श्रीलंका शायद ना जीत पाए, वही श्रीलंका जो थी वो विजेता बन के उभरी थी, एक अंडरडॉग टीम जीत गई थी एशिया कप 2022 जो T20 फॉर्मेट में खेला गया था। अब इस बार देखना होगा जो 6 टीमें खेल रही एशिया कप में उनमें से कौन सी टीम विजेता बनती है। वैसे सबसे प्रबल दावेदार एशिया कप के लिए इंडिया और पाकिस्तान को ही माना जा रहा है, और अगर बात करें श्रीलंका और अफगानिस्तान की तो ये 2 टीमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। और इस बार तो नेपाल और बांग्लादेश भी अच्छी टीम है, नेपाल भी खेल रही है इस बार एशिया कप, तो देखना होगा कि जो 6 टीमों की टक्कर होगी उनमें कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी। 2 सितंबर को आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच दिखाई देगा, दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी श्रीलंका में। देखना होगा कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी। बाकी आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है एशिया कप 2023 के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।